वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड मज़ेदार के KFC स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम 5 ड्रम स्टिक लिए हुए हैं, जिसे हम पहले इस तरह से 3 कट लगा देंगे तो सारे ड्रम स्टिक को इसी तरह से डीप कट लगा देंगे ताकि ड्रम स्टिक हमारे अंदर तक पक सके। एक मिक्सिंग बॉल लेंगे जिसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही और 1 कप पानी। विनीगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ड्रम स्टिक को डिप करेंगे और इसी तरह से डिप करने के बाद हम इसे 4 से 5 घंटे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रम स्टिक को 4 घंटा फ्रिज में मैरिनेट किया। अब यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप मैदा, करीब 200 ग्राम मैदा लिया हुआ है और इसके अलावा 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसके अलावा कुछ मसाले लेंगे जिसमें है 1 टेबलस्पून ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब इन सारे मसालों को हम मैदे और कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक ड्रम स्टिक लेंगे, इस तरह से पानी निचारेंगे और उसे आटे में कोट करेंगे। इस तरह से दबाते हुए चोकर से उसमें भी आटा भर देंगे और ठंडे पानी में हम इसे 2 से 3 सेकेंड इसी रख के फिर से इसे कोट करेंगे। तो इसी तरह से 1 से 2 सेकेंड फिर से रखेंगे और फिर से इसे कोट करेंगे ताकि कोटिंग हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो। तो इस तरह से दबाते हुए कोट करेंगे, आटे को झटकेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे लेंगे और 7 से 8 मिनट इसी तरह स्लो और मीडियम पे फ्राई करेंगे। बीच में टच नहीं करना है वरना कोटिंग उतर जाएगी। और सारे ड्रम स्टिक इसी तरह से बना लेंगे, पहले से बना के नहीं रखेंगे वरना कोटिंग नरम पड़ जाएगी। तो इस तरह से कोटिंग चढ़ने के बाद इसे टर्न करेंगे और बैक साइड से उसी तरह से 7-8 मिनट फ्राई करके निकालेंगे। तो क्रिस्पी एंड मज़ेदार KFC स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।